तो मेरे भाई लोग कैसे हो गए। आज की वाली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आईकी नियो 6 नहीं, नथिंग फोन 1 ये भी नहीं, मैं बात करने वाला हूँ इन सब के किलर फोन रेडमी K50i के बारे में। गाइज ये रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन है एंड ये फोन अभी हाल ही में इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है एंड जिसके अंदर मोस्ट पावरफुल जो प्रोसेसर है वो यूज किया गया है जिसका नाम है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100U एंड इसके अंदर जो हमको मेमोरी देखने मिलती है वो है LPDDR5 एंड UFS 3.1 फ्लैश मेमोरी। एंड गाइज ये गेमिंग के लिए स्पेशली बनाया है जिसकी वजह से इसके अंदर VC लिक्विड कूलिंग 3D कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। एंड ये कूलिंग सिस्टम क्या है मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जैसी मुझे हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। गाइज इसके अंदर इतने सारे स्पेसिफिकेशन है कि अगर मैं एक एक स्पेसिफिकेशन आपको बताने बैठू ना तो आधी वीडियो यूं ही खत्म हो जाएगी 10-15 मिनट की। तो मैं अभी सारे स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है वही बताऊंगा एंड बताऊंगा आप लोगों की क्या ये इस फोन को आपको BGMI के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं एंड इसके प्रोस एंड कॉन क्या है, सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल्स के अंदर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को इन तक बिना स्किप किए जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को एंड सबसे पहले मैं इसके कुछ छोटे मोटे स्पेक्स के बारे में बता देता हूं जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भाई सबसे पहले इसके अंदर हमें देखने को मिलता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो कि काफी अच्छा है एंड 270 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है जिसकी वजह से जो टच रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का जो पैनल है वो मिलता है एंड जो इसके स्पीकर हैं गाइस वो है डॉल्बी विजन के। एंड आलतू फालतू बात खत्म करते हैं, सीधा इसके फ्रंट कैमरे पे आते हैं। तो 16 मेगापिक्सल का जो है एक सेल्फी कैमरा में देखने को मिलता है, ट्रिपल रियल कैमरास देखने को मिलता है जिसके अंदर जो 64 मेगापिक्सल का सैमसंग GW1 का जो कैमरा है वो यूज किया गया है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा हमें देखने को मिल जाता है एंड जिसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का जो है माइक्रो कैमरा देखने को मिलता है। तो ये रही कैमरे की बात एंड अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी एंड चार्जर के। तो जिसके अंदर गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छी बैटरी दी गई है जो कि है 5080mAh की बैटरी एंड इसके साथ में इसे 67 वाट का जो है फास्ट चार्जिंग भी इसके साथ में देखने को मिलता है। एंड जो इसकी सबसे अच्छी बात है गाइस जिसके अंदर जो है ईयरफोन जैक हमें देखने को मिलता है, ये वाली चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि आज के जो भी फोन है उनके अंदर जो है ईयरफोन जैक ही गायब हो जा रहा है एंड चार्जर का गायब होना तो कंपलसरी हो गया हर एक स्मार्टफोन के अंदर। जैसे कि आप देख ही सकते हो नथिंग फोन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड इसके अंदर कोई भी चार्जर नहीं है, बिल्कुल बकवास फोन है। एंड ये फोन ऐसा नहीं है, इसके अंदर सारी सुख सुविधाएं एक गेमर्स के लिए जो होनी चाहिए जरूरी वो सब इसके अंदर देखने को मिलती हैं क्योंकि जब भी गेमिंग करते हो तो सब लोग ईयरफोन ही लगाते हैं, बहुत ही कम ऐसे बंदे होंगे जो वायरलेस सिस्टम का यूज करते हैं। एंड गाइस अगर आप लोग ज़्यादा स्पेक्स जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे के सारे स्पेक्स इसके लिख दूंगा, आप जाकर के रीड कर लेना क्योंकि अगर मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग वीडियो को छोड़कर भागने लगोगे तो इस वजह से मैं पूरे स्पेक्स नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिख दूंगा। एंड अब गाइस बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो गाइस परफॉर्मेंस के लिए जो इसमें BGMI में हमें 60 FPS अभी तक देखने को मिलते थे एंड अभी कल एक अपडेट आया जिसकी वजह से स्मूथ एंड 90 FPS का ऑप्शन जो है इसके अंदर अनलॉक हो चुका है। लेकिन गाइस फिर भी मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी जो कि है स्मूथ एंड 90 FPS तो आप लोगों ने दे दिया अपडेट के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ये भूल गए कि बैलेंस के साथ 60 FPS देना जरूरी होता है, इन लोगों ने नहीं दिया। बैलेंस के ऊपर आप जितने भी ग्राफिक जाओगे मैक्सिमम में वहाँ पे आपको सब जगह 40 FPS देखने को मिलेगा, 60 FPS का नामो निशान नहीं दिया इन लोगों ने। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदी लगी, अगर आपकी डिस्प्ले में 144 Hz का रिफ्रेश रेट है तो कम से कम 60 FPS तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट HDR तक तो 60 FPS सपोर्ट ही करना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी गंदी लगी। देख सकते हो IQ Neo 6 ने भी ये गलती की थी लेकिन उसने यहाँ पे सुधार ली, वो लगभग लगभग सभी जगह 60 FPS देने लगा है लेकिन ये चीज़ नहीं कर रहा है एंड उसने तो 90 FPS भी दे दिया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदी लगी। अगर मैं कंपेयर करूँ Poco F4 5G से या फिर बात करूँ IQ Neo 6 से तो उसकी तुलना में ये फ़ोन डाउनग्रेड है थोड़ा सा, मतलब जैसे कि इसकी डिस्प्ले LCD है, AMOLED नहीं है, तो कुछ लोगों को LCD डिस्प्ले ज़्यादा पसंद आती है, AMOLED नहीं पसंद आती तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं गेमिंग तो गेमिंग के लिए कम से कम आपको 90 FPS के साथ 60 FPS आगे के जो भी ग्राफिक्स हैं उनमें देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। एंड मे बी हो सकता है कि इन फ्यूचर ये कोई अपडेट दे करके 60 FPS अनलॉक कर दे बैलेंस के ऊपर वाले ग्राफिक्स के अंदर, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं भी नहीं लेता इसकी गारंटी क्योंकि यार मैं कैसे ले सकता हूँ। तो गाइस फिलहाल के नज़रिए में अभी मेरे ख्याल से इसको लेना वेस्ट ऑफ मनी होगा, लेकिन अगर आपका बजट है 22,000 तो ये फिर फोन आपके लिए बिल्कुल वन ऑफ दी बेस्ट होने वाला है, तो आप इसके साथ जा सकते हो एंड GFX लगा के 60 FPS एंड 120 FPS भी आप लोग अनलॉक कर सकते हो, जो कोई दिक्कत नहीं आने वाली गेमिंग के अंदर, ये चीज़ मुझे पता है। तो अगर आपका बजट है 22,000 तो आप अमेजन पर जब जाएंगे एंड इसके अंदर ICICI बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड अगर आप लोग यूज करोगे तो उसके अंदर आपको 3,000 की स्टैंड डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से ये फोन आपको पड़ जाएगा 22,000 के अंदर में। तो कुल मिलाकर के ये फोन आपको काफी
सस्ता मिलने वाला है, लेकिन अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो उसके अंदर आपको 2500 की छूट मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कार्ड है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऑफलाइन जा करके परचेस करते हैं तो उनको छूट नहीं मिलती, उनको तो 2599 का ही मिलेगा। तो भाई उन लोगों से मैं कहूँगा कि अगर आपके फ्रेंड लोग हैं जिनके पास कार्ड है तो आप उनके थ्रू ऑर्डर करवा लीजिएगा। फालतू में क्यों पैसे फूंक रहे हो 2-3 हज़ार जब आपको सस्ता मिल रहा है यहाँ पे। एंड आज मॉर्निंग के अंदर इसमें बिल्कुल इंस्टेंट जो है बम्पर डिस्काउंट देखने को मिला था, जो भी अर्ली बर्ड ऑफर के थ्रू आया था, 20,000 का ये फोन मिल रहा था। तो जिन लोगों ने 20,000 के अंदर में इसको खरीदा है वे लोगों के लिए तो ये बिल्कुल पैसा वसूल डिवाइस होने वाला है, लेकिन अगर आप लोग जा रहे हो 25,000 का बजट लेकर के इसको खरीदने तो मेरे ख्याल से ये खर्चीला है, इसको नहीं जाना चाहिए इसके साथ। आप इसके अलावा आईक्यूनियो 6 में जा सकते हो या फिर आप किसी रिफर्बिश्ड आईफोन XR के साथ जा सकते हो, क्योंकि आईफोन XR अगर आप लोग स्पेशल गेमिंग ही करना चाहते हो तो आप एंड्रॉयड के साथ ही ना जाओ, आप आईफोन XR के साथ चले जाओ, सिलबडी के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड प्रयागराज के अंदर भी काफ़ी सारे स्टोर खुल गए हैं जो कि 22-23 हज़ार में आपको आईफोन XR दिला देते हैं। XR की परफॉर्मेंस देख सकते हो, उसके अंदर सब जगह एक्सट्रीम जाता है, 60 FPS देता है। एंड जो उसके FPS होते हैं आईफोन के, दुनिया जानती है कि वो कभी भी ड्रॉप नहीं होते, तो वहाँ पे आप लोगों को गेमिंग के लिए एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग गेमर के अलावा भी बहुत कुछ हैं तो आप जा सकते हो इस फोन के साथ में, लेकिन अगर आप 22 के ऊपर पैसे लगा रहे हो इस फोन के अंदर तो आपको आईक्यूनियो 6 के साथ जाना चाहिए। बस आज की वीडियो का जो कंक्लूजन था यही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो या जरा सी भी हेल्पफुल रही हो तो ये वीडियो को लाइक करो, एंड अगर नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दोगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है। एंड आजकल मेरे चैनल की जो रीच है वो डाउन जा रही है, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाते, तो यार प्लीज इसको शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।